ਸ਼ਾਰ ਮਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਦੋਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसनैन मुश्ताक। आज की वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और अभी हम सुबह से लगे हुए थे हवेली में, हवेली का काम कर रहे थे। मिस्त्री जो हैं वो आए हुए हैं तो अभी खाना खाया। अभी जुम्मे का भी टाइम हो रहा है। मिस्त्री साहब कह रहे थे कि एक रद्दा जो है वो लगा लेते हैं। काफी ज्यादा काम हो गया हवेली का माशाल्लाह। ये भी दीवार हो गई है, ये भी हो गई है। तकरीबन हर तरफ से ना, चारों तरफ से दीवार जो है वो खड़ी हो गई है। काम अभी भी जारी है। अब्दुल्ला भाई जो है वो सीमेंट दे रहे हैं। शावा शावा शावा, ये मोटर लगाई हुई है माशाल्लाह, चल गई है मोटर। अभी पानी जो है वो इंटू को लगाना है। और गर्मी इतनी ज्यादा ना, हवा भी नहीं चल रही। तो अभी काम शुरू है। नमाज जुमा जो है वो 2 बजे होना है। अभी टाइम तकरीबन 1:40 हो रहे हैं। तो मिस्त्री साहब कह रहे थे कि जब 1:50 हो जाएंगे फिर चलेंगे मस्जिद में नमाज के लिए। चले अब्दुल्ला भाई, सीमेंट खत्म हो गया। चरी है थले खाद अब जी, थले खाद है डीएपी खाद है चरी। ये जानवर का जो चारा है ना, चरी वगैरह, ये उसका भी है माशाल्लाह। आज हम जानवर का चारा जो है वो काश्त करेंगे। पहले शटाला था, अब चरी। गर्मी का सीजन है तो गर्मी में चरी चलती है। चलें जब भी बाहर लेके चलते हैं। कुछ रखो मैं चौके का। चलें जी आज अभी चलते हैं खेत में। आज जो है वो चारा काश्त करना है। अभी मैं ये मोटर लेके आया था तो इसमें जो रबड़ होती है वो नहीं थी। अबू जी कह रहे थे कि वहाँ पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अभी ये दीवारों को ना पानी वगैरह लगाना है। उससे पहले ये बीज वगैरह बिखेरते हैं खेत में। भाई मौजम ने भी बिखेर दिया और ताया खादम ने भी बिखेर दिया खेत में चेरी का बीज। ये सामने हमारा खेत है, एक कनाल तकरीबन 20 मरले होगा, इसमें बिखेरना। यहाँ पे रखते ये आ गया अभी। मेरे पांव देखें क्या बने हुए हैं। कल की मजदूरी की हुई है। आज मिस्त्री जो है नहीं आएगा क्योंकि हमने इंटू वाले भाई से कहा था कि ईंटें जो है वो सुबह सुबह ला देना, लेकिन जुम्मे की वजह से ट्राली जो है वो भरने में देरी हो गई है। तो ये तकरीबन सेकंड टाइम आएगी, तो हमने मिस्त्रियों को छुट्टी करवा दिया। आज हम जानवर का चारा काश्त करेंगे, साथ गोबर के ओपले जो उन्हें साइड पे करते हैं, सारी चीजें मुकम्मल कर लेते हैं। और हाँ जी अब जी बड़ा ये माशाल्लाह खाद है, देखिए डीएपी खाद है और इसमें ये चेरी के बीज हैं और इसमें ज्वार है, ये ज्वार है, ये सामने बीज है, ये काला ग्वार है, ये भी खाद है और ये डीएपी खाद है माशाल्लाह। दोनों खादें हैं, मुझे था ये डीएपी है। बीज जो है वो तोड़े के नीचे, ये रहा बीज कैसे हूँ सामने। ये रहा बीज, चरी का बीज। चले अभी खाद बिखेर देते हैं खेत में, फिर बीज जो है वो बिखेरना। खाद मैंने बिखेर दी है सारे खेत में, ये रही खाद। अब बारी है बीज बिखेरने की, भी बिखेर लेते हैं जल्दी से। ये बीज है,
और इसमें थोड़ी सी खाद है। ये कुछ बाहर जो है वो गिर गए। अभी उसके ना अल्लाह भी एक कनाल जो है वहाँ पे हमारा चारा है, तो अब जी वहाँ पे अभी चारा है तो कहाँ पे बखेरना ये? ओ कब्रिस्तान कर दे यार, एक कनाल वहाँ पे काश्त करना है। चलें जी, ये जो बाकी बच गया ना, एक कब्रिस्तान के पास एक हमारा एक कनाल खेत है, वहाँ पे हम उगा देंगे। वहाँ पे अच्छा होता है चारा, तो वहाँ पे बीज को और खाद को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी जाके बिखेरता हूँ वहाँ पे। और ये सामने हमारी तूड़ी पड़ी हुई है, भूसा, ये बारिश आ गई थी तो तब से पड़ी हुई है। और ये सामने हमारी कनाल है, अभी जल्दी से इसमें बीज बिखेरते हैं और घर चलते हैं। गर्मी देखें, पसीना किस कदर आ रहा है मुझे। दाबड़ा खाली हो गया, ये देखें हाथ मेरे, खाद बिखेरते हुए क्या बन गया, ये केमिकल होता है। और ये मेरे यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा हुआ है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। खैर अभी घर चलते हैं, तो इस पर कुछ लगाते हैं। ये बोसा रह गया हुआ है हमारा, और वो सामने देखें ये तया खादम की रह गई है गंदुम, ये इसकी कतराई जो है वो लगनी है। और मोजम भाई का कल ना पड़ोला लगा हुआ था चार कनाला, उसने ना मोजम भाई जो अभी फ्री हो गए, तफक्कर भाई रह गए और हम रह गए। ये थोड़ी अभी टाइम हुआ जाता है दोपहर का, तो ट्रैक्टर वाले को सुबह का कहा हुआ था, तो अभी आया तकरीबन दोपहर को, 2 बज रहे हैं अभी। खेत में हल जो है वो चल गई है, अभी बस सुहागे के जरिए से बराबर कर देना, लेवल कर देना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरे जूते जहाँ बाहर पड़े हुए थे जब मैंने पहने आया, तो इस कदर गर्म, तो बात है कुछ। कैसे लेवल हो रहा है ये। फिर थोड़े दिनों के बाद इसे पानी लगाया जाएगा, तो फिर ये माशाल्लाह जानवरों का चारा जो निकल आएगा। अच्छा ये देखना, एक दूसरे को ना ये झगड़ेंगे एक दूसरे के साथ, बड़े मुर्गे नहीं एक दूसरे के साथ झगड़ते, वैसे ये झगड़ेंगे। ये झगड़ रहे हैं ना, ये देखें कहाँ पे चढ़ गया। टाइम तकरीबन असर का हो रहा है, और ये देखें मौसम फिर से बादल वाला हो गया, और तूफान देखें, तेज हवाएं चल रही हैं तेज। गंदुम अभी सूखी ही थी, मशीनें लगी हुई थी, अभी हम बोसा लेने के लिए गए हुए थे जो साफ करने वाला रह गया था, तो बिल्कुल मौसम साफ था, लेकिन अचानक इतना तेज तूफान आ गया और बादल छा गए आसमान पे। मशीन भी लगी हुई थी कतराई वाली, सबकी गंदम अभी बाहर है, और कहीं पर रैपर जो है वो गंदम काट रहा था, तो इस तूफान से वो गंदम भी उलट पलट हो गई होगी, और जो भूसा था जो मशीन लगी हुई थी उसका भूसा जो है वो भी उड़ गया होगा। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है सच में, हमारा भूसा वहीं पे पड़ा हुआ है और लोगों की गंदम भी अभी बाहर है। वो सामने देखे अभी भी बरियां जो है वो पड़ी हुई है बांधी हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें सामने अभी काफी ज्यादा गंदम पड़ी हुई है, ये भी अभी इसकी कतराई जो है लगनी है, मशीन लगेगी तो फिर होगा।
अभी सुबह सुबह का टाइम है और बारिश देखें कितनी ज्यादा पड़ रही है। आज तीसरा दिन है, मैंने जुमे वाले दिन से वीडियो जो स्टार्ट की हुई है। दिन बाद दिन वक्फा वक्फा मैं वीडियो बनाता गया हूँ, क्योंकि बाहर मिस्त्री लगे हुए हैं तो बाहर मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि सारा दिन इनके साथ होता हूँ तो वीडियो मैं नहीं बना पा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज लूँगा एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।